नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल रिपोर्टर न्यूज़ में। दोस्तों अभी भी बड़ी खबर निकल के आ रही है पुलवामा हमले पर। इमरान खान की भारत को गीदड़ बब की बोले, जंग हुई तो देंगे करारा जवाब। दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में जो घंटे का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे, और हमारे सैन्य कर्मियों के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट दे दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान काफ़ी दबाव में नजर आ रहा है, काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहा है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बड़ी तनाव बढ़ता जा रहा है। हमले के बाद से ही इमरान खान ने चुप्पी साध रखी थी और अब तक उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया था, जिसकी निंदा की जा रही थी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर ब्रास निकालते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत बिना सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने बंद नहीं किए तो वे जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी प्रिंस के दौरे के कारण उन्होंने पहले बयान नहीं दिया गया था। इमरान खान ने कहा कि भारत हमले के सबूत दे तो वे एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ हर तरह की बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत द्वारा सहयोग नहीं दिया जा रहा है। भारत को गिदड़ बबकी देते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान भारत की हर कार्रवाई का करारा जवाब देगा। ऐसे में दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनाव बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे।